हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताएंगे। ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच है, ब्लाउज की चौड़ाई 10.5 इंच है, शोल्डर की चौड़ाई 5.5 इंच है, आर्म होल की लंबाई 5.5 है, 2.5 इंच की चौड़ाई देते हुए गले की मार्किंग करेंगे। नीचे के साइड से 3 इंच की चौड़ाई पर मार्क कर देंगे। दोनों मार्क बराबर करते एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, देख लीजिए। अब गले की लंबाई लेंगे तो 11 इंच ले रहे हैं, यहाँ से मार्क करेंगे और बिल्कुल बराबर में यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब गले के डिज़ाइन का मार्किंग करेंगे, देख लीजिए वीडियो। मटका शेप में गले का डिज़ाइन का मार्क कर दिए, अब इसकी इसी तरीके से कटिंग कर देंगे। तो मैंने देखिए गले की कटिंग कर दिया अस्तर पे, साथ में ब्लाउज का कपड़ा लेंगे इसके और इसके भी गले की इसी तरीके से कटिंग कर देंगे। तो आप वीडियो में देख लीजिए मैं गले की कटिंग कैसे करें, इसे कर दीजिएगा बराबर करते हुए। तो मैंने गले की कटिंग दोनों कपड़ों का कर दिया। अब दोनों को बराबर में फैला देंगे और एक सिलाई लगाते हुए पूरे गले की अच्छे तरीके से स्टिचिंग कर देंगे। तो आप वीडियो में देखिए मैं गले की स्टिचिंग कैसे करें, इस तरीके से कर लीजिएगा। तो मैंने देखे गले की कम्प्लीटली स्टिचिंग कर दिया। अब गले पे छोटे छोटे कट लगा देंगे, इसे जब पलट कर सीधा करेंगे तो डिज़ाइन सेम इसी तरीके से आएगी। तो पूरे गले पे मैंने कट लगा दिया, अब गले को पलट कर सीधा कर देंगे तो ये सीधा हो चुका है। इस पर एक सिलाई लगा के इसकी फिनिशिंग की स्टिचिंग करेंगे। तो वीडियो में देखे मैं कैसे फिनिशिंग की स्टिचिंग करूँ, इसे कर दीजिएगा। तो पूरे गले की फिनिशिंग की स्टिचिंग मैंने कर दिया है। ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग करेंगे, अस्तर कपड़े को बराबर करते हुए साइड से सिलाई लगाते हुए पूरे ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग कर लेंगे। तो मैंने देखिए ऑलराउंड स्टिचिंग कम्प्लीटली ब्लाउज की कर दिया। नीचे के साइड से ब्लाउज में टक्स की स्टिचिंग करेंगे, तो माप लेते हुए दोनों साइड से बराबर में टक्स को स्टिच कीजिएगा, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। तो इसी तरीके से दूसरा भी कर देंगे। तो मैंने दोनों साइड का टक्स देखिए बराबर में स्टिच कर दिया। नीचे के साइड से इसको बॉर्डर बनाने के लिए पट्टी मैंने अस्तर की कट करके ले ली, इसको बराबर करते हुए ब्लाउज के साथ में स्टिच कर लेंगे। देख लीजिए मैं कैसे ब्लाउज के साथ में नीचे की साइड से पट्टी को स्टिच करें, इसे कर दीजिएगा। तो ये पट्टी स्टिच हो चुकी है, अब इसको फैला देंगे और इसके ऊपर एक फिनिशिंग की स्टिचिंग करेंगे। देख लीजिए मैं कैसे कर रही हूँ, ये फिनिशिंग की स्टिचिंग कर दी। अब इस पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट करते हुए नीचे का बॉर्डर बना के पूरा स्टिच कर लीजिएगा। तो ये स्टिच हो चुका है, बॉर्डर देखिए मेरा कंप्लीट है। ब्लाउज पे डिज़ाइन करना है तो ब्लाउज साइड करेंगे और आगे आपको डिज़ाइन दिखाते हैं। तो मैंने डिज़ाइन बनाने के लिए जो गले में से अस्तर कट होने के बाद निकला था उस पर लेके ये मार्किंग कर दिया है। मार्किंग जैसे कि उसी तरीके से कटिंग कर देंगे। मैंने अस्तर की कटिंग देखी गले की कर दी है। इसके साथ में ये मैंने बकरम ले लिया है, बकरम को डबल फोल्ड करके रख दिए। इसके ऊपर जो अस्तर का ये फैब्रिक कट के इसको रख देंगे। आगे की साइड से पहले हम बराबर में पूरा मार्किंग करेंगे और पीछे की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए स्टिचिंग का भी मार्क कर देंगे। अब इसी तरीके से कटिंग कर देंगे बकरम की। तो देख लीजिए मैंने ये बकरम की कटिंग कर दिया। अब इसके साथ में हम ब्लाउज का कपड़ा लेंगे, तो साथ में ब्लाउज का कपड़ा लेते हुए स्टिच करेंगे। तो ये ब्लाउज का कपड़ा ले लिया, हम कपड़े को बराबर रखेंगे इसके बकरम के साथ में। अब इन दोनों पार्ट के लिए फैब्रिक हम कट कर देंगे। तो मैंने ये फैब्रिक की कटिंग कर दिया, साथ में इसके अस्तर ले लेते हैं। तो अस्तर भी ले लिया है दो पार्ट में। अब इन दोनों डिज़ाइनों को पहले फैब्रिक रखेंगे फिर अस्तर रखेंगे, इसके ऊपर हम देखिए इस तरीके से पलट कर फिर बकरम रख देंगे और आगे के साइड से एक सिलाई लगाते हुए इसकी स्टिचिंग करेंगे। देख लीजिए मैं कैसे स्टिचिंग करें और किस साइड से, आपको वीडियो में क्लियर समझ में आ जाएगा। ऐसे स्टिचिंग कर दीजिएगा। तो स्टिच हो चुका है, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल के छोटे छोटे कट लगा देंगे, इसे जब पलट कर सीधा करेंगे तो डिज़ाइन इसी तरीके से आएगी। तो देख लीजिए मैंने इसको अच्छे से पलट कर सीधा कर दिया, एक सिलाई लगा के इसके ऊपर से फिनिशिंग की स्टिचिंग कर लेंगे। तो डिज़ाइन कंप्लीट है। अब इसके दूसरे साइड से भी हम बकरम के बराबर में पूरा सिलाई लगा के स्टिच कर लेंगे। तो मैंने ये स्टिचिंग कर दिया, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है उसे कट करके निकाल देंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक ये कट करके निकाल दिया, इस तरीके से दूसरी वाली डिज़ाइन है उसको भी बनाएंगे। दोनों बन चुके, इसको डेकोरेट करना है। तो डेकोरेशन के लिए मैंने देखिए पहले कुछ और फैब्रिक ले ली जिनको मैंने स्क्वायर में कट कर दी, जिसकी लंबाई चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है।
अब इनको हम क्रॉसिंग में फोर पार्ट में फोल्ड करेंगे। देख लीजिए मैं क्रॉसिंग में फोर पार्ट में ये फोल्ड कर दिया। नीचे के साइड से सिलाई लगा के इसको स्टिच कर लेंगे डिज़ाइन को इस तरीके से। देखिए मैं डिज़ाइन जैसे बना रही, ऐसे आप भी बना दीजिएगा तो आपको समझ में आई होगी। मैंने ये डिज़ाइन बना लिया। अब इन दोनों डिज़ाइनों को, दो कलर के जो डिज़ाइन है इनके साथ में, देखिए हम कैसे मिलाते हुए बना रहे हैं। इस तरीके से मिलाते हुए डिज़ाइन को सिलाई लगाते हुए पूरा बना दीजिएगा। तो आप वीडियो में देख लीजिए मैं कैसे इसको बना रही हूँ। इस तरीके से आप बना दीजिएगा। तो ये देख लीजिए आपको समझ में आया होगा मैं डिज़ाइनों को कैसे मिलाती हूँ स्टिच की। अब इसको हमें जो डिज़ाइन ये बनाई थी इसके साथ में देखिए ज्वाइंट करते हुए सिलाई लगा के स्टिच करेंगे। तो आप वीडियो में देख रहे हैं मैं कैसे इसको ज्वाइंट कर रही हूँ सिलाई लगाते हुए। ऐसे सिलाई लगाते हुए डिज़ाइन को अच्छे से ज्वाइंट कर दीजिएगा एक दूसरे से। तो मैंने ये देख लीजिए पूरा ये सिलाई लगाते हुए आपको अच्छे से दिखा दिया ज्वाइंट करके। अब इसको डेकोरेट अप करेंगे। तो लेस लेते हैं, लेस ले लिया। लेस को देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ डिज़ाइन पे। इस तरीके से लेस को अच्छे से लगा दीजिएगा। तो एक लेयर लेस लगा दिए, दूसरा लेयर भी इसके साइड से लगाएंगे। बीच में थोड़ी सी गैपिंग देते हो, अच्छे से सिलाई लगा के लेस को स्टिच कर लीजिएगा। तो एक साइड से लेस लग चुकी है, दूसरे साइड से भी इसी तरीके से लेस की स्टिचिंग करेंगे। देख लीजिए मैंने दोनों साइड से लेस लगा दी। इसको डेकोरेट करना है तो मोती ले लिए हैं। अब निडल की सहायता से देखिए मोती को हम स्टिच करेंगे। तो आप देख रहे हैं मैं मोती को कहाँ और कैसे स्टिच करूँ। इस तरीके से मोती को लगा दीजिएगा डिज़ाइन पर। तो आपको समझ में आई होगी मेरी डिज़ाइन कैसे बनाई। तो ये बन चुकी है, इसको मैंने अच्छे से डेकोरेट कर दिया है मोती लगा के। अब इसको डिज़ाइन को ब्लाउज के साथ में जॉइंट करना है। तो ब्लाउज़ ले लेते हैं और ब्लाउज़ में पहले लेस लगाएंगे। तो लेस देखिए बराबर रखते हुए गले पे पूरा अच्छे तरीके से स्टिच कर देंगे। देख लीजिए मैं कैसे लेस की स्टिचिंग गले पे कर रही हूँ। इसे बराबर करते हुए पूरा स्टिचिंग कर लीजिएगा। कॉर्नर से ही लेस लगाइएगा पूरा। तो मैंने देखिए कॉर्नर से लेस पूरा रखते हुए गले पे ये स्टिच कर दिया। अब डिज़ाइन जो बना है डिज़ाइन को ले लेते हैं। तो डिज़ाइन मैंने ये ले लिया। ब्लाउज इसके ऊपर रखेंगे बराबर करते हुए और एक सिलाई लगा के ब्लाउज और डिज़ाइन को पूरा अच्छे तरीके से स्टिच कर देंगे। तो मैंने देखिए ब्लाउज डिज़ाइन पूरा अच्छे से स्टिच कर दिया। मेरा ये ब्लाउज डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट है। बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन थी, बहुत ज़्यादा बनाने में इजी थी। आपको समझ में भी आया होगा अच्छे तरीके से। अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन साथ जो ऐसे ब्यूटीफुल सिंपल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।